तो गाइस पबजी मोबाइल जो कि आप लोग खेलना पसंद करते हो, काफी लोग वेट कर रहे हैं कि कब इंडिया के अंदर पबजी मोबाइल लॉन्च हो और हम लोग खेलें, हम लोग भी अपना चैनल शुरू कर कर पबजी की लाइव स्ट्रीम शुरू करें। लेकिन गाइस बताते हुए बहुत ही याद हो रहा है कि पबजी मोबाइल अब इंडिया के अंदर नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को सोच रहे हो कि क्यों नहीं आ रहा, तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखिए। आप लोगों को एक एक बात जो है मैं अच्छे समझाने वाला हूँ, जिससे आपके सारे माइंड के डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ पढ़ते हैं। तो गाइस अभी क्या हो रहा है कि आप लोग जैसे ही पता होगा, चाइनीज ऐप जो कि अभी सब बैन हो चुके हैं, पबजी का जो सर्वर था जो कि टेंसेंट था, जो कि चाइनीज कंपनी थी, उसी वजह से पबजी मोबाइल हट गया था, डिलीट परमानेंट बैन हो गया। लेकिन पबजी मोबाइल इंडिया के नाम से एक ऐप और भी आ रहा था जो कि बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला था, लेकिन अब वो भी लॉन्च नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि गाइस अभी क्या हो रहा है कि काफ़ी लोग ऐसे हो रहे हैं जो कि अलग अलग वेबसाइट्स बनाकर ऐसा दावा करते हैं कि आप लोग इस वेबसाइट पर क्लिक करके हमारा जो है पबजी मोबाइल इंडिया या पबजी मोबाइल को जो है डाउनलोड कर कर ईजिली खेल सकते हो, और ऐसे करके करके जो है वो ऑडियंस को अपनी वेबसाइट पर इंट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब अपनी वेबसाइट जो होती है ना उसके अंदर लेकर आ रहे हैं। और ये सेम चीज़ यूट्यूब पर भी हो रही है, और इसी चीज को देखते हुए यहां पर सरकार को लग रहा है कि अब पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि अब ये चीजें हो रही है। और साथ ही कुछ और भी चीजें हो रही है कि अभी के टाइम पे कुछ अलग अलग सर्वर्स जो है पबजी मोबाइल के नाम पर डाउनलोड्स करवा रहे हैं, और अलग अलग टाइप की जो बोल सकते हैं पॉलिसीज निकल के यहाँ पर आ रही है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है गाइस, जो पबजी मोबाइल इंडिया है काफी लोग दीवाने हैं उस चीज के कि कब हम लोग खेलना शुरू करें। तो ऐसे में काफी लोग क्या कर रहे हैं, पबजी मोबाइल का अगर मान लीजिए आप लोग कोई ऐप है जो कि पबजी मोबाइल के नाम से उसे अलग बनाते हैं, तो वहां पर जैसे वो उसे पब्लिश करते हैं तो उससे पहले उसमें सरकार की परमिशन चाहिए होती है, ये बात तो आप लोग भी जानते हो। लेकिन अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए पबजी मोबाइल के नाम पर कोई दूसरा ऐप लॉन्च किया जाए, तो सरकार उसकी जो जांच पड़ताल करती है कि इसका जो लिंक है वो कहीं ना कहीं टेंसेंट कंपनी ये चाइना से तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो नहीं आएगा। अगर मान लीजिए वो सर्वर भी चेंज कर देते हैं, तो सर्वर चेंज होने के बाद भी वो नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे में लड़ाई होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों में बता दूं यहाँ पर एक तरह से युद्ध शुरू हो जाएगा कि अगर मान लीजिए अगर पबजी आ जाता है, ठीक है पबजी आ गया, फिर टिकटॉक बोलेगा हम लोग भी हमारा सर्वर चेंज कर देंगे, हमें भी लॉन्च करो, तो ऐसा तो सरकार नहीं कर सकती यार। तो ऐसे में गाइस ये निकल के आ रही न्यूज़ कि पबजी मोबाइल अब नहीं आने वाला। आप लोग जितना चाहो वेट कर लो, अब नहीं आने वाला। अगर आता है तो आप लोगों को इस चैनल पर हमेशा अपडेट मिल जाएगी, और मुझे लगता है ये मेरी लास्ट वीडियो होगी पबजी मोबाइल के ऊपर। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि पबजी मोबाइल आएगा, तो आप लोग मेरे जो एक पोल था जिसके अंदर मैंने पूछा था कि गाइस क्या पबजी मोबाइल वापस आ सकता है, तो गाइस बहुत लोगों ने बोला कि नहीं आने वाला, और ये बात बिल्कुल सही है कि पबजी मोबाइल नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई लेटेस्ट अपडेट पबजी मोबाइल को लेकर आता है या पबजी मोबाइल इंडिया को लेकर आता है तो मैं आपको बताऊंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दें, जिससे आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो गाइस आज की इस वीडियो को बस इतना ही, अब मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।